माशाल्लाह से जी, लुकिंग वेरी नाइस। दोनों शहजादे आज साथ साथ खड़े हुए हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग। बस एक को राइट पे लेके जाना है, एक को अंदर खड़ा करते हैं। वैसे दोनों साथ बाहर नहीं होते, बहुत कम ही निकलते हैं तो आज खड़े हुए हैं, मैंने का वीडियो बनाते हैं इनकी। खैर, अभी एक को राइट पे लेके जाना है, एक को अंदर खड़ा करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन। अच्छा जी, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं चांदथारा के पास, और यहाँ पे मेरे साथ है मेहदी। मेहदी भाई अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम मेहदी के बाइक पे नए राइजर इंस्टॉल करें। उसने जो राइजर लगाए हुए थे वो जैन भाई से लिए थे, तो वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, तो अब जो है मैं राइजर लेके आया हूँ, वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कैसे लगते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इंस्टॉल करते हुए। हाथ से टाइट करेंगे, वो पेज का से टाइट करें, बहुत टाइट हो जाते हैं। हम बिल्कुल, हम जरा आरजी काम कर रहे हैं, वी आर वेरी बेस्ट पीपल। यस, लगेगा वरना किसी तरह ना वो एलकी वाले घुसा देंगे। देखिए जी, यहीं पे खोलें ये। हाँ जी, नहीं नहीं, ये चमकता हुआ जी। ये हमारे पास ये टूल किट है सारी, और बड़ा मज़े का हमारा रोज़ा गुजर है। हवा भी चलने लग गई है, और ये हमारा सीपी खड़ा हुआ यहाँ पे। ये मेरे हाथ में है। नहीं नहीं, इससे बड़ा वाला। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? रेगुलर वीडियोस देखते हो? ठीक है, आप भी व्लॉग में आ गए। ओके जी, केबल मैंने निकाली है, और ये जो है ना टूट चुकी है अंदर कहीं से ना, अजीब सिस्टम हुआ है। अभी जाते हैं इसका सेट कराते हैं कुछ सीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बहादुर अहमद खान, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं अपने गैराज में, और मेरे पीछे इस टाइम टीरेक्स खड़ा हुआ है जो कि फुल कवर्ड है। अभी जो है हमारे पास सीबी 150 खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उस पर थोड़ा सा काम करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको गैराज का टूर कराता हूँ। गैराज के अंदर चलें तो ये भाई टीरेक्स साहब जो हैं सो रहे हैं, भाई भी सो रहे हैं, तो टीरेक्स भी सो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सीबी 150F खड़ा हुआ है। इसको कपड़ा मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो सीबी 150 खड़ा हुआ है। ठीक है, वह भी यार दूसरे गैराज में है, और गाड़ी भी गई हुई है, तो हमारे पास ओपन जगह है, इजी स्पेस है। तो अभी हम करने क्या लगे हैं, तो मैं चाह रहा था इसका जो फ्रंट है ना, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि अभी मैंने इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट नहीं की, तो मैंने सोचा खुद से थोड़ा बहुत करें। इस पर ना एक दो स्क्रैचेस हैं जो मैं कहता हूँ छुप जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है काला रैप। ठीक है, ये भाई वैसे गाड़ी के लिए लाए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जब तक वो सो रहे हैं तो तो मैं चाहता हूँ इसको ब्लैक कर दूँ, इसको ब्लैक कर दूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइट को भी ब्लैक कर देंगे, या कोई शेप दे देंगे मज़े की। ठीक है, तो थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत हैं, उनमें सबसे पहले हमने जो है टी रैक्स को टेबल बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हीट गन है। ठीक है, ये हीट गन कौन सी है जी, तो ये है सुपर टेक की है, शायद सुपर टेक प्रोफेशनल पावर टूल्स, यहाँ से 2000 वॉट, ये इसकी खैर स्पेक्स लिखी हुई है, बट ये हीट गन है जी, और बड़ी काम की चीज़ है। उसके अलावा एक सीज़र चाहिए होगी हमें, एक कटर चाहिए होगा, और इसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, और ये देखें HKS का वड्डा एग्जॉस्ट फॉर यू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये खोलते हैं, ये अगर इजीली खुल जाए। असल में मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसको पूरे को खोलना ना बड़ा अजाब है, और मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको बंद किया था, तो मैं दोबारा वो रिस्क नहीं लेने जा रहा। तो अभी सिर्फ इसको खोलते हैं, इसको पहले रैप करते हैं, फिर बाकी पार्ट्स की तरफ आएंगे, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है रैप का, और मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपेरिमेंट मारने जा रहा हूँ, तो बेयर विद मी, और मेरे साथ आप भी सीखें, मैं भी सीखता हूँ, तो ट्राई करते हैं लुक चेंज करने की। सबसे पहले जी हम ये खोल लेते हैं स्क्रूज, मुझे ट्राईपॉड नहीं मिल रहा, मैं एक हाथ से खैर वीडियो इस तरह तो नहीं बनाऊंगा, बट हम कैमरा किंग फिक्स कर देंगे। ये ले जी, इसका वाइजर हम उतारने लगे हैं, और वाइजर उतार के इसकी लुक देखें तो ओके नाइस, लगा हुआ था तो ठीक है, लगा हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, और यहाँ से देखें
तो ठीक है, अच्छा लगता है, कवर किया होता है इसने तो, गुड जी। तो सबसे पहले इसको रैप करते हैं, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। अच्छा जी, रैप में से मैं ये पार्ट काट के ले आया हूँ, अभी देखें कि हमें इसको रैप करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इतना पीस काट लेते हैं और फिर जो है इसको रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा यार इसकी ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है, क्योंकि हीट गन से थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाता है, अगर कम पड़ जाए तो नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, काम जारी है। ठीक है, इसके लिए आपको ले लेनी है एक अदद हीट गन, एक अदद स्मार्ट कार्ड और एक अदद रैप। ठीक है, तो मैं वीडियो साथ साथ नहीं बना सक रहा क्योंकि ट्राईपॉड नहीं है अभी मेरे पास, तो अभी बस इसको थोड़ा सा रैप करके ना मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, पहला तजर्बा हमारा फ्लॉप हो गया क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ी सी हीट गन लगी है और ये जो रैप है ना थोड़ा ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से तो बड़े मज़े से हो गया है लेकिन ये पार्ट जो है ना ख़राब हो गया, तो हमें दोबारा से पैच लगाना पड़ेगा। ओके जी, ये देख सकते हैं आप, रैप तो बड़ा जो है ना शशके वाला हुआ है लेकिन ये साइड जो है ना हमें ख़राब कर गई है, तो हम इसको एक ट्राई और देंगे और इस पर आप शाइन ऑलरेडी देख सकते हैं कितना मज़ा कराने वाली वहाँ जाके, लेकिन वी नीड अ बेटर वर्जन ऑफ दिस, तो दोबारा से करेंगे इसको। अच्छा जी, अभी तक हम विंडशील्ड कर रहे हैं, जो वाइज़र है उसका, उसको रैप कर रहे हैं और आई एम फार फ्रॉम डन, मुझे नहीं पता था कितना मुश्किल हो जाएगा। असल में इसका मसला यह है कि रैप जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इस दफ़ा मैंने कोशिश की हीट गन के बगैर चढ़ाने की तो काफ़ी बेहतर हुआ है, और जहाँ से ख़राब था वो यहाँ से मैं हीट गन से करूँ। ये जो ऊपर आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये रैप के ऊपर शीट है जो ख़राब हुई है, इस शीट को उतारूँगा, नीचे से ब्लैक रैप निकल आएगा, थोड़ी सी और मेहनत लगेगी और ये सेट हो जाएगा और मुझे रोज़ा लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी ये विंडशील्ड ही रैप करूँगा, बाकी जो है बाद में करेंगे या भाई से क्या करवा लेंगे। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, मेरा दिल था टाइम लैप्स दिखाता बट खैर अभी आप ऐसे ही इंजॉय करें, तो बस इसको कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं, ऑफिस भी जाना है। ये देखिए जी कितना गंदा एक रैप हुआ, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। क्या बात, क्या बात, लश पश निकल आया नीचे से, बस थोड़ा सा ना ये कोनों कोने से ख़राब है, इसके ऊपर थोड़ी लगेगी हीट गन, तो फिर इंशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लुक देगा, ट्राई करते हैं। ऐसे जी, रैप करके विंडशील्ड पे लगा दिया था ब्लैक रैप, लेकिन और हुआ भी बड़े मज़े का, लेकिन ये देखें ऑलरेडी जो है ना ये पैर धूप में तो थोड़ी देर खड़ा हुआ होगा, ये खड़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये बड़ा सख्त हुआ था, तो इसको शायद दोबारा से करना पड़ेगा, देखें यहाँ से भी, तो ये रैप के इश्यूज हैं। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.